गुड मॉर्निंग गाइस, अभी दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग मस्त उठ के एकदम फ्रेश हो गए हैं और ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने मंगा लिया है। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर की थी मैगी और चाय। तो सभी लोग मस्त अभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इधर दादा अपना कर रहे हैं, ये तो एकदम रेडी हैं, एकदम सूट बूट में घूमने के लिए। बाकी हम लोग अभी ऐसे ही हैं, मैगी वैगी ख़त्म कर लेंगे अपना, उसके बाद रेडी होंगे, फिर निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है, निकले हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सामने का व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कितना बेहतरीन नज़ारा है मॉर्निंग का। ये ऐसा कुछ नज़ारा है, मतलब क्या ही बोलें कि बस देखते ही जाओ खड़े होके। लेकिन अभी और भी बहुत सी जगहों पे जाना है, तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे पार्क किए थे अपनी गाड़ी, जो यहाँ पे पार्क थी, और यहाँ से भी आपको नज़ारे देख लो। यहाँ शाम को मैंने दिखाया था, वो अभी सुबह का भी देख लो नज़ारा कितना बेहतरीन है। ये कुछ नज़ारा है, यहाँ से एकदम क्लियर व्यू है। सुबह कोई कोहरा नहीं है, धूप भी नहीं है, कोहरा भी नहीं है, व्यू एकदम क्लियर सा है। ये देखो एकदम बादल उड़ रहे हैं सामने से, ये वाइट वाइट से बादल उड़ रहे हैं सामने। वो वहाँ पर घर बने हैं लोगों के, शायद बस्ती होगी कोई। नीचे हरे भरे पेड़ हैं, ऊपर वाइट वाइट बादल उड़ रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब यहाँ से बस मन करता है कि यहाँ पे एक चेयर लगा लो और आराम से बैठ के देखो। ये जा रहा है मंदिर को रास्ता ऊपर को, हम लोग जाएंगे अभी मस्त दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं है ऊपर, वरना हमारे राणा साहब को प्रॉब्लम हो जाएगी। जय भोले बाबा। सारा सामान हम लोगों ने रख लिया अपनी गाड़ी में, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन करके मुक्तेश्वर से निकल चुके हैं और अभी हम लोगों का प्लान है नीम करौली बाबा जाने का। वहाँ जाके नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ प्लान करेंगे। मतलब आज का दिन पूरा भक्तिमय होगा। यहाँ भी मंदिर के दर्शन हो गए, अब सीधा जाएंगे नीम करौली के स्थान पे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर कुछ अगला प्लान करेंगे कि कहाँ पर जाना है। दादा क्या कहते हो? दादा हमारे पता नहीं क्यों नाराज़ जैसे हो गए हैं। बहुत सारा आशीर्वाद लेने के बाद पता नहीं ज़्यादा आशीर्वाद मिल गया है क्या, कि एकदम भी उसको झेल नहीं पा रहे हैं, नाराज़गी आ गई इनके चेहरे पर। राणा साहब भी चुपचाप हैं, ये लोग एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं पता नहीं क्यों। सुबह इन लोगों को बढ़िया एकदम ब्रेकफास्ट कराया है, खाए पिए एकदम मस्त, सब चले हैं। थकान ज्यादा आ रहा है, गोल गोल पानी घूम रहा है, मेरे को बता रहे हैं। अच्छा आज भी घूमने लगा? हाँ, आज ही घूम रहा है। अच्छा कल तो इनका बहुत घूमा है पानी पेट में। हाँ, लेकिन आज बोले थे ये जब ये जैसे गाड़ी टर्न ले रही थी तो इनके पेट में पानी घूमने लगता था, बोल रहे थे कि टर्न थोड़ा स्लोली लो वरना हमारा पानी घूम रहा है, ये बाहर आ जाएगा। और लास्ट में आखिर बाहर आ ही गया था, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी था। फिर ये आके सीधा फ्लैट हो गए थे होटल में आके। तो चलो चलते हैं, आज का सफ़र भी मस्त रहेगा, आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करोगे, मैं सफ़र को एंजॉय करूँगा, चलते रहते हैं। रास्ते में रुके हैं हम लोग जूस टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ जूस हैं।
तो भैया ने रेडी किए हैं हम लोगों के लिए, टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। अरविंद दादा तो बोल रहे हैं कि अच्छा है, बहुत टेस्टी था, कीवी का। हाँ, किसका है? कीवी का। हाँ, कीवी का तो बहुत टेस्टी है। ये किसका है? ये किसका है? ये ब्रास का। ब्रास? हाँ, ये हाथ के लिए बेस्ट है। दूसरा एक और बनाओ, ये रोडोडेंड्रोन एक फूल होता है उसका। किसका, कौन सा फूल होता है? रोडोडेंड्रोन करके। अच्छा। हाँ, इसमें लिखा है रोडोडेंड्रोन करके, ये ब्रास, उसको हिंदी में कहते हैं ब्रास। ब्रास, ब्रास कहते हैं। एक और बनाओ। ये भैया बोल रहे हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अभी इसको, वैसे हमारा हार्ट कमज़ोर है नहीं। कैसा है? बहुत टेस्टी है। हुँ? और कीवी का तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। अच्छा, ये सारा ओरिजिनल है सर। ये क्या है? ये क्या चीज है? ये पीस पीस आड़ू। आड़ू, पहाड़ी आड़ू। देखो तो मस्त आइटम है, बिल्कुल सब एक है। नहीं, आड़ू तो हमारे इधर भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कहाँ से हैं सर? यूपी से। ना, ये आड़ू वहाँ का दूसरा हो, छोटा होगा। हाँ, छोटा छोटा होता है। अभी तो ये आड़ू तो आप लास्ट दिन हो रहा है। फल सब तो टेस्टी ही हो। और ये क्या है? ये खुमानी एप्रिकॉट। एप्रिकॉट, ओके। और वो रेड वाला? ये पुलम। पुलम, पुलम जी। इसको आलू बुखारा बोलते हैं। आलू बुखारा, ओके। इसको बोलते हैं आलू बुखारा। तो हम लोग ये भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, तो रास्ते में आराम से इसको खाते हुए चलेंगे। खट्टा है। नहीं, फोटो, हाँ, वो रहने दो। थोड़ा रेड वाला कम रखना, दो ही तीन रखना। वो ये बहुत टेस्टी। ये वाला टेस्टी है, तो यही ज़्यादा रख दो। मीठा ही बहुत टेस्टी। हाँ, मीठा है बहुत टेस्टी। एप्रिकॉट बहुत टेस्टी है बता रहे हैं मनमिन, तो एप्रिकॉट ज़्यादा ले रहे हैं। और ये बुखारा, बुखार फीवर जो भी है, इसको कम ले रहे हैं। इसमें क्या रखें? चटनी रखें क्या? थोड़ी चटनी भी रख दीजिएगा। उत्तराखंड ऐसा है कि आप हर जगह वहाँ की खूबसूरत है, आप कहीं पर भी रुक जाओ, वहाँ से वहाँ के जो नज़ारे होते हैं खूबसूरत होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ के भी देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब हर एक जगह खूबसूरत है, सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी कुछ फल वगैरह ख़रीद लिए, अब चलते हैं, रास्ते में घूमते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे। ये जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पर। सिर्फ बादल दिख रहे हैं, ये बादल उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों यहाँ पे कोहरा होता है ना जाड़ों में, सेम वैसा ही एकदम बादल उड़ रहे हैं। ये सामने एकदम पूरा सा, उसके उस पार कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पूरा एकदम बादल है, ये धुंध जैसे दिख रही है, एकदम उड़ रहे हैं, बिल्कुल सामने से फील कर पा रहे कि उड़ रहे हैं। नीम करौली के रास्ते ही हैं अभी हम लोग, 3 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी भी शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। पीछे काफ़ी लंबा जाम था, उससे निकल के आए हैं। हम लोगों को भूख भी लग गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ खाने का कोई होटल वगैरह है तो चल के खा लेते हैं। सामने दिखा है एक बाबा की रसोई, तो यहीं पर देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलेगा। लंच करके फिर निकलेंगे, क्योंकि अभी 2 बज रहा है और वहाँ पहुँचते फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। Thank you.
अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर और दाल मखनी और रोटी। टेस्ट करते हैं कि खाना कैसा है। वहाँ पर तो खैर अच्छा था, मुक्तेश्वर पे। अभी ये जगह भवाली है, यहीं से नीम करौली का रास्ता जाता है, तो यहीं पे एक अच्छा सा ये होटल दिखा था, तो देखते हैं खाना टेस्ट करके। यहाँ से सामने का व्यू भी अच्छा है। इधर ब्लॉग भी मैंने अपलोड पे लगा दिया क्योंकि वाईफाई भी मिल गया यहाँ पे, तो वो भी अपलोड हो जाएगा पार्ट वन। तो अभी हम लोग मस्त लंच कर लिए हैं भरपेट, अब कोई टेंशन नहीं है, अब सीधा नीम करौली में रुकेंगे हम लोग। ये नीचे जो है दिख रहा है, सामने है कैची धाम, अभी हम लोग ऊपर हैं, नीचे की तरफ है कैची धाम, तो घूम के चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ऊपर से तो बिल्कुल पास में ही दिख रहा है कि जैसे कैची धाम बस पास ही में है, लेकिन घूम के चलेंगे तो टाइम लगेगा। गाड़ी पार्क कर दिए हम लोग और अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन के लिए। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं नीम करौली बाबा के, बहुत शांति मिली वहाँ पे जाके। एक्चुअली बोलूँ तो ये कौन सी नदी है नहीं पता मुझे, बट हल्का हल्का पानी भी आ रहा है इसमें। अभी छुट्टियों का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लोग यहाँ से लेना चाहते हैं कुछ फ़ोटोज़ जो घर पर ले जाकर लगा सके। तो फाइनली हम लोग कैची धाम हो लिए हैं, नीम करौली बाबा के दर्शन हो गए, अब यहाँ से निकल लिए हैं। दादा पहले बताओ कैसा लगा यहाँ पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने का? सबसे ज़्यादा मन था हमारे दादा का यहाँ पर आने का, काफ़ी दिनों से ये प्लान कर रहे थे कि नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगे। और जब हाँ वही था कि जब खुद मतलब कुछ ऐसा मौका आया तभी आप आए, वरना प्लान तो काफ़ी दिनों से कर रहे थे। तो इनको स्पेशली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। पीसफुल जगह है ये, क्योंकि जो ये स्थान बना हुआ है, जो कैची धाम बना हुआ है, ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऊपर चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखती हैं और बीच में ये एक धाम है जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। इस टाइम पर तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। वो बढ़िया जगह है एकदम, जितना नाम सुना था है उतना है। तो अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं आगे जाने का, प्लान करते हैं फिर पहुंचते हैं, आप लोगों को अपडेट मिलेगा ब्लॉग के माध्यम से। अभी इस ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।